ओके, मैंने कपड़ा सारा वो कर दिया है, हल्का सा उसको स्प्रे कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँगी, इसको खींचना है अपनी चौड़ाई के रूप में, ओके, ताकि ये कपड़ा जो सूख गया था, पहले श्रिंक हुआ था फिर सूख गया था, तो वो वापस अपनी शेप में आ जाए जिस शेप में वो था। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही स्टिच कर लोगे तो ये जो है वो बाद में सूख जाएगा पहनने के बाद, और आपकी फिटिंग जो है वो टाइट हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप इसको अपनी जगह पे वापस ले आओ जहाँ से ये, जहाँ पे ये कपड़ा था, तो आपकी फिटिंग बाद में फिर लूज़ भी नहीं होगी और टाइट भी नहीं होगी। इसको पूरा आप ये कर लो, उसके बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है। ये काम ज़रा मुश्किल है क्योंकि इससे आपके कंधों पे जोर पड़ता है। इसके बाद आप इसको पूरा दोबारा से एक दफ़ा प्रेस कर लो, ताकि आपकी एक पूरी सिलेंडर शेप में इसको आपने पैक कर लेना है, तय कर लेना है। ये कॉर्डलेस इस्त्री है, अगर आप लोग ये किसी तरह से ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका जो है तार बीच में बार बार नहीं आती। आप इसको पूरा इस्त्री कर लो,